जब ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है तो हार्ट अटैक आता है। जो रेडियल आर्टरी है वो दूरबीन से निकालते हैं, एंडोस्कोप से कट नहीं लगा। लेकिन बाईपास करने के का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा के लिए आदमी को दोबारा बीमारी नहीं हो सकती, हो सकती है। जो मेमोरी आर्टरी है कभी कभी हम रोबोट के द्वारा भी निकालते हैं। बाईपास सर्जरी जो है वो एक तरह का इलाज है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है उन पेशेंट्स को जिनमें कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि जिसमें हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं जो कि पंपिंग करती हैं सारे ब्लड को पूरे शरीर के अंदर, उनको भी ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन, उनको सप्लाई करने के लिए कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि उनकी मसल्स को सप्लाई करती है। अब किसी वजह से यदि इन आर्टरीज में रुकावट आ जाए तो हार्ट की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई जाती है उसमें कमी आती है, कभी कभी तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। जब ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है तो हार्ट अटैक आता है, और जब पार्शली कट ऑफ होती है तो मरीजों को एंजाइनल पेन होता है। अब ऐसे पेशेंट जिनको कि एंजाइनल पेन शुरू हो जाता है या कि हार्ट अटैक हो जाता है उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज होती है उसके तीन तरह का इलाज होता है। एक तो ये कि मेडिकल का इलाज दवाइयों से ट्रीट किया जाए, दूसरा है कि उनकी एंजियोप्लास्टी जो बलूनिंग कहते हैं वो की जाए, और जब और ज़्यादा सीरियस मामला हो जाता है तो फिर उनको हम बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी में हम जो ब्लॉकेज होता है उसके आगे ग्राफ्ट लगा देते हैं जिससे कि जो ब्लड की सप्लाई है वो एओर्टा जो बड़ी धमनी है उससे जो ब्लॉक सेगमेंट है उसके आगे ब्लड जाने लगता है। और ये बाईपास सर्जरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? या तो हम शरीर के अंदर इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है जो बोथ लेफ्ट साइड में भी होती है राइट साइड में होती है, तो जब यंग पेशेंट होते हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि टोटल आर्टेरियल बाईपास करें, क्योंकि ये जो आर्टरी जब यूज़ की जाती हैं बाईपास के लिए तो ये बड़े लंबे समय तक चलती हैं और इनमें ब्लॉकेज दोबारा कम होता है। अब आर्टरी बिसाइड्स ये राइट और लेफ्ट मेमोरी के रेडियल आर्टरी भी होती है जो हाथ से निकाल के यूज़ करते हैं, और हम मणिपाल हॉस्पिटल में जो रेडियल आर्टरी है वो दूरबीन से निकालते हैं, एंडोस्कोप से कट नहीं लगाते। तो एक एडवांटेज होता है कि इंस्टेड की कटिंग पूरा हाथ में यहाँ से यहाँ तक कट करें हम एक दूरबीन यूज़ करते हैं। जो मेमोरी आर्टरी है कभी कभी हम रोबोट के द्वारा भी निकालते हैं, वो हम सामने से नॉर्मली हर जगह कट लगता है सामने से चेस्ट पर और हड्डी कटती है। हमारे यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल में कुछ स्पेसिफिक पेशेंट को, सबको नहीं, जो पेशेंट सूटेबल होते हैं और जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इसको, उसमें हम रोबोट से इंटरनल मेमोरी आर्टरीज निकालते हैं दोनों, और फिर छोटा सा कट लेफ्ट साइड में करीब 2 से 3 इंच का लगा के फिर बाईपास करते हैं। तीसरा जो कंड्यूट है जो बाईपास के लिए यूज होता है वो होती हैं वेंस, जो कि हम लेग से और थाई से निकालते हैं, और उसके लिए भी हम एंडोस्कोप यूज करते हैं। तो खास करके जो डायबिटीज़ के मरीज हैं यदि हम वेन पूरा कट करके निकालेंगे तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो हम मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में जो वो वेन है वो एंडोस्कोप के द्वारा दूरबीन के द्वारा निकालते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की हीलिंग में बड़ी अच्छी तरह से जल्दी हीलिंग होती है और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जो बाईपास सर्जरी हम करते हैं वो हम तीन तरह से करते हैं। कन्वेंशनली जिसमें कि हार्ट लंग मशीन यूज की जाती है और हार्ट को हम बंद कर देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं और फिर बाईपास करते हैं। ये बड़ा पुराना मेथड है और इंडिया में अब ये करीब करीब बहुत कम सेंटर्स में ही यूज होता है। मोस्टली हम जो बाईपास करते हैं वो दूसरी तरह से करते हैं जिसको हम कहते हैं बीटिंग हार्ट सर्जरी, जिसमें कि हार्ट ब्लड को पंप करता रहता है सारे शरीर को और उस समय हम बाईपास सर्जरी करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑफ पंप बीटिंग हार्ट सर्जरी। तीसरी तरह का जो बाईपास सर्जरी होता है उसको कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव आर रोबोटिक आर की होल सर्जरी, जिसमें कि हम सामने हड्डी को स्टर्नम ब्रेस्ट बोन को नहीं काटते बल्कि हम साइड से जाते हैं लेफ्ट साइड से और 2 से 3 इंच का कट लगा करके दूरबीन से कंड्यूट निकाल के, चाहे रेडियल आर्टरी हो चाहे वेन हो, वहाँ हम जा करके उससे हम बाईपास करते हैं। तो इन तीन मेथड से हम बाईपास कर पाते हैं, और बाईपास करने के बाद निश्चित रूप से पेशेंट्स को फ़ायदा होता है, उनकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है और जो सिम्टम्स होते हैं जो एंजाइना का पेन होता है या सांस फूलती है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाईपास करने के का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा के लिए
आदमी को दोबारा बीमारी नहीं हो सकती, हो सकती है, खास करके जो डायबिटिक हैं और ऐसे मरीज जो स्मोकिंग को नहीं छोड़ते हैं या कि जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि बाईपास करने के बाद भी नियमित रूप से मेडिकेशंस को लेना चाहिए, जिससे कि दोबारा ब्लॉकेज ना आए। और यदि डायबिटीज है तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी होने के लिए। और तीसरा, खास करके जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कि पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम थी और उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी, उनको बहुत ही सावधानी से अपनी दिनचर्या को करना चाहिए। फिर जो ये स्मोकिंग करते हैं उनको तुरंत स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, नहीं तो दोबारा ब्लॉकेज होने के चांस होते हैं।